नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बार योनि में, वेजिना में तेज़ दर्द, खुजली, जलन या बहुत बुरी गंध आने लगती है। ऐसा होने से किसी भी महिला को काफ़ी बेचैनी होने लगती है। क्या आपको पता है कि यह समस्या योनि संक्रमण के कारण हो सकती है? आपको बता दें कि इस तरह की समस्या 11 साल की उम्र में शुरू हो सकती है। ये मेनोपॉज तक आपको सता सकती है। इस समस्या को मेडिकल भाषा में योनि शोथ या वेजिनाइटिस कहा जाता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है। इसमें पीला ग्रे या बादल जैसा कलर का पानी का डिस्चार्ज होना, योनि में जलन या दर्द होना, योनि में अजीब तरह की गंध होना, बदबूदार गंध होना, योनि मार्ग में तीव्र खुजली, चुनचुनाहट होना, कमर में दर्द बना रहना, कमजोरी महसूस होना एवं चक्कर आना, बार बार पेशाब आना एवं पेट में भारीपन बना रहना, भूख न लगना एवं जी मिचलाना, आँखों के नीचे काला घेरा होना, थोड़ा सा मेहनत करने पर भी आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, चिड़चिड़ापन होना। इसका कारण है योनि में ट्रिकोमोनस बेगिनेलस नामक बैक्टीरिया के कारण ल्यूकोरिया होता है। बार बार गर्भपात होना या कराना, डायबिटीज से ग्रस्त महिलाओं को असमान यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना या शरीर में पानी की कमी होना, तनाव एवं अत्यधिक मेहनत करने के कारण कॉपर टी लगा हुआ होना या समय पे खाना न खाना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो मैं इसका तुरंत इलाज बताता हूँ। ये मेडिसिन का नाम है कैंडिड V6 वेजिनल टैबलेट, और इसका एक क्रीम आता है कैंडिड लोकल क्रीम। आपको मैं बता दूँ, कैंडिड V6 वेजिनल टैबलेट अपने योनि में डालना होता है और कैंडिड लोकल क्रीम उसे इंटरनल पार्ट में, योनि की इंटरनल पार्ट में लगाना होता है। आपको मैं बता दूँ, ये संक्रमण, ये इन्फेक्शन, ये खुजली, ये बदबूदार गंध, ये 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए आयुर्वेदिक नुक्खे भी वीडियो डालूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें आपको मैं आयुर्वेदिक नुक्खे बताऊँगा।